जिन कुत्तों को आपने देखा, आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कोई साधारण कुत्ते नहीं, लेकिन आपने जितना सोचा है ये उससे भी खूंखार और चालाक हैं। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारने में यूएस नेवी सील टीम की मदद की थी, और अब ये कुत्ते असम के जंगलों में घूम रहे हैं। क्यों? इसका जवाब आपको बताते हैं। वियतनाम की ये ट्रेडिशनल बिलीफ है कि गैंडे के सिंग से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है, और इस वजह से कैंसर से जूझने वाले लोग कीमोथेरेपी के बाद गैंडे के सिंग से बने पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वियतनाम की आम गलियों में भी गैंडे के सिंग की खूब मांग है, और ये मांग पूरा करता है भारत। गैंडों का शिकार कर बेरहमी से उनके धड़ से उनका सिंग निकाल कर। दक्षिण एशिया के बाकी देशों जैसे चीन, वियतनाम, जापान में भी भारत से गैंडे के सिंग की तस्करी होती है, और असम नेशनल पार्क्स गैंडों के शिकार के लिए कुख्यात है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सिंग की कीमत बढ़ जाने पर अवैध शिकार की घटना भी बढ़ी है। गांव में रहने वाले आदिवासियों को गैंडे का शिकार करने की काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती है, इसलिए ये लोग भी शिकार करने में शार्प शूटर्स का साथ देते हैं, उन्हें शरण देते हैं। पर कुछ सालों से इन अवैध शिकारियों को रोकने के लिए बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के इस डॉग स्क्वैड की एंट्री असम के जंगलों में हुई है। ये डॉग स्क्वैड काफ़ी स्पेशल है। बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्ते बेहद फुर्तीले होते हैं, और इनका इस्तेमाल नक्सल और आतंकी ऑपरेशन में खूब किया जाता है। अपने फुर्तीले रफ्तार, तेज दिमाग, पेशेंस और एग्रेसिव की वजह से बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्ते ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की सेनाओं की पहली पसंद है। भारत में पठानकोट पर हमले के दौरान एनएसजी ने भी इनका ही इस्तेमाल किया था। ये एक बार में 30 किलोमीटर तक आसानी से भाग सकते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की बात करें तो सीआरपीएफ, आईडीबीपी, एनएसजी समेत कई सुरक्षा बल इनका इस्तेमाल बड़े ऑपरेशंस में करते हैं। असम में तैनात इन 6 कुत्तों के स्क्वैड को K9 डॉग स्क्वैड से जाना जाता है। शिकारियों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 6 कुत्तों में से 3 काजीरंगा नेशनल पार्क में, 1 मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, और 1 पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपनी सर्विस दे रहा है। 2011 में पहली बार बेल्जियन मेलिनोइस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क में तैनात किया गया था। जो आर्मी है, नेवी है, ये लोग ये यूज़ कर रहा है। तो हम लोग पहले 2011 में एक हम लोग डिप्लॉय किया था, अभी हम लोग का 7 यूनिट है। ये डॉग स्क्वाड तब से स्टेट के 3 नेशनल पार्क और 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। ये कुत्ते फॉरेस्ट गार्ड्स को शिकारियों और उनके घर या छुपे हुए जगहों पर पहुंचाते हैं, और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। K9 डॉग स्क्वाड की मदद से बीते सालों में राइनों का अवैध शिकार करीब करीब रोक दिया गया है। पहले साल में 30 से 40 राइनों मार दिए जाते थे, लेकिन इस साल अब तक केवल 1 राइनों का अवैध शिकार किया गया है। अभी तक का जो ये सक्सेस है, काफी सारा ये एसिस किया है नेशनल पार्क अथॉरिटीज पुलिस को। हम लोग का जो डॉग यूनिट काजीरंगा नेशनल पार्क का साथ काम कर रहा है या उरांग दूसरा जगह में काम कर रहा है, दे हैव असिस्टेड, यू नो, काफ़ी सारा क्लू दिया है सीन ऑफ क्राइम से। उस हिसाब से मेरा नेशनल पार्क अथॉरिटीज और पुलिस को काफ़ी फायदा भी मिला है लीडिंग टू द अरेस्ट। असम के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में K9 डॉग स्क्वाड के सक्सेस का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल 1 सिंग वाले गैंडे को एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी से हटाकर वल्नरेबल की कैटेगरी में रख दिया गया है।